خشوجي وآمدي جهاد معصومين بالخصوص رحمة للعالمين محمد مصطفى احمدي مجتبى والإمام جعفر الصادق عليه السلام صلوات دعائے سلامتی ہے امام زمان علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن حسن صلواتک علیہ وعلا आपके चूंकि जश्न रहमतन लिल आलमीन है जश्न सादिक आले मोहम्मद है तो खुदा आपके घरों पर रहमतों का नुज़ूल करे बरकतों का नुज़ूल करे सच्चाइयों का नुज़ूल करे हमें सच बोलने की तौफीक इनायत फरमाए इंशाअल्लाह के झूठ से हम आज के दिन के सदक़े बहुत दूर हो जाएं चूँकि जश्न सादिक़ैन मना रहे हैं तभी मुझे और आपको ये हक होगा कि हम सही मानों में जश्न सादिक़ैन मनाएं और
जहाँ पर मैंने कहा कि मैं और आप जश्न मना रहे हैं, वहाँ पर जो इलाही जश्न है, जहाँ पर समावी जश्न है, उसके मनाजिर क्या होंगे। और क्यों ना हो कि एक ऐसी हस्ती की विलादत है कि जो वजह तख्लीक कायनात है, मेरा और आपका खल्क होना, मेरा और आपका यहाँ बैठना, हमारा सांस लेना, यहाँ पर मदहा सराई करना, इबादत करना, आज के दिन जितने आपने अहसन आमाल अंजाम दिए, कुछ न होता अगर खुदा नूर मोहम्मद को खल्क ना करता। आज जहाँ खुशी मनाने का दिन है, वहाँ शुक्राने का दिन है। मैं और आप बारहा परवरदिगार आलम की इस नेमत उज़्मा पर शुक्र मनाएं कि वो हस्ती खुदा ने मेरे और आपके दरमियान भेज दी और मुतवल्लिद फरमाया उन्हें कि जो अगर ना होते तो मुझे और आपको मकसद हयात समझाने वाला कोई ना था। और उसके बाद वो हस्ती जिसकी विलादत के साथ एक और हस्ती का मुत्तसल हो गया नाम, और आपकी विलादत से वो कि जिसने आपने मकसद हयात को समझाया, और वो सादिक़े आले मोहम्मद की जिनकी ज़िंदगी ने आपकी तालीमात पर ज़िंदगी गुजार कर हमें बताया कि आसान नहीं है मुस्तफ़ी होना, लेकिन अगर इखलास हो तो कैसे परवरदिगार आलम अपने उम्मतियों को, चाहने वालों को अपने हबीब के बुलंदियां अता फरमाता है, इतनी बुलंदियां कि मेरा और आपका आज जो फिक्र है वो फिक्र जाफरिया के नाम से मशहूर है। जरूर पढ़िएगा दोनों अनवार और स्वाद पर। कम अज कम भी मदह सराई नूर मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए, तो कम अज कम भी अगर कुछ हो तो वो कुरान हो, वो वही इलाही हो कि जो मदह सराई करे रहमतल लिल आलमीन की। हाँ, क्योंकि खुदा ने अपने हबीब के जिस तरह मनाकिब को बयान किया है, ऐसा तो कोई बशर हक ही नहीं रखता कि वो फजाइल मनाकिब रसूलुल्लाह को बयान कर सके। अगर आपकी रहमत की बारी आती है, आपकी करामत का कहना आता है, तो कुरान बढ़ के कहता है वमा सल्ना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अगर अपने हबीब की जुल्फों की बारी आती है, अगर अपने हबीब के चेहरे की बारी आती है और खूबसूरती को बयान करना होता है, तो कुरान में खुदा कहता है वश्शम्स वज़ुहा। अगर अपने हबीब के बात करने की बारी आती है तो वमा यन्तिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन युहा। ये तो कुछ कलाम ही नहीं करता मां सिवाय इसके कि इसके ऊपर वही को नाजिल किया जाता है। अगर तहारत की बारी आती है तो फकत आपकी तहारत नहीं बल्कि आपके अहले बैत की तहारत के बारे में खुदा सनद नासिल करता है और आया तथहीर का नुज़ूल होता है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज़्ज़ा अहलल बैति वयुत्ताहिरकुम तत्हीरा। वो कि कोई सी भी सिफत रसूलुल्लाह के लिए ली जाए तो हमें सनद वहये इलाही नजर आती है, हमें सनद कुरान पाक नजर आता है। मिर्ज़ा दलील ने थोड़ा सा कोशिश की कि वो मदह सराई रसूलुल्लाह को बयान करें, तो इन अशआर में उन्होंने कहा फिरदौसे बरी गुलशने रुखसार है किसका, फिरदौसे बरी गुलशने रुखसार है किसका, खुर्शीद मुबीन खाले ज़ियाबार है किसका, ईसा जिसे कहते हैं वो बीमार है किसका। ईसा वो के जो बीमारों को शिफा देने वाले हैं वो खुद किसके दर के बीमार हैं, वो जिस दर के बीमार हैं वो दर मोहम्मद अरबी का है। हाँ, आप कहते हैं कि ईसा जिसे कहते हैं वो बीमार है किसका, दामाद वसी हैदर कर्रार है किसका, हैदर का बरादर है वो सहरा का पिदर है, हैदर का बरादर है वो सहरा का पिदर है, महबूब खुदा शाह रसूल खैर बशर है,
محبوب خدا شاہ رسول خیر بشر ہے, نہ روز نہ شب اور نہ خورشید و قمر تھے, نہ حور و ملائک تھے نہ جن تھے نہ بشر تھے, نہ کوہ نہ دریا نہ بیابان نہ شجر تھے, لوح و قلم و عرش و فلک کے نہ اثر تھے, واللہ کے کچھ بھی نہ تھا اور تھا بھی تو کیا تھا, بس ایک خدا دوسرا محبوب خدا تھا, بس ایک خدا دوسرا محبوب خدا تھا, دو مین جو ایک نام محمد میں ہے باہم, دو مین جو ایک نام محمد میں ہے باہم, ایک میم مؤخر ہے اور ایک میم مقدم, اول یہ ملائک سے ہے اور آخر آدم, آغاز اور انجام سے ہے زیب دو عالم, بعد آئے ہیں پر سب سے نخست آئے ہیں مولا, دیر آئے نہ کیوں کر کہ درست آئے ہیں مولا, دیر آئے نہ کیوں کر کہ درست آئے ہیں مولا, کون ادا کر سکتا ہے حق شان رسالت رحمت للعالمین. اگر شخصیت کے زاویوں کو دیکھا جائے عزیزان گرامی قادر, تو ایک کتاب جو ویس میں لکھی گئی پرسنالٹیز کے بارے میں, اس میں ایک مکمل شخصیت ہونے کے لیے چار ستون جو بہت اہم چار پلرز بتائے گئے تھے کہ جس میں جس کے بغیر شخصیت کامل نہیں ہوتی, اگر وہ نہ ہو تو گویا شخصیت ادھوری ہے, اگر وہ نہ ہو تو یعنی اسے اسوہ قدوہ رول ماڈل قرار نہیں دیا جا سکتا. میں اور آپ دیکھیں, دل پڑھیے گا محمد والے محمد صاحب, بارے دیگر صلوات برائے خوشنودی و آمد محمد مصطفیٰ صلوات صلی علی محمد. اگر ان چار میں نے کہا کہ ویسٹ میں بھی اور ویسے جو سٹینڈرڈز بتائے گئے ہیں, کسی بھی معیارات بتائے گئے ہیں کسی بھی شخصیت کے پلرز یا ستون, وہ چار اہم صفات کہ اگر اس کے اندر نہ ہوں, اور اگر آج کے دن عزیزان گرامی قادر میں اور آپ وہ چار صفات لے کر جو سیرت رسول اللہ کے مین پلرز ہیں اگر انہیں لے کر چلے جائیں یا اٹھ جائیں, تو آپ یقین کیجئے کہ ہم اپنی دنیا کو اپنی آخرت کو سنوار سکتے ہیں, کیونکہ اصلاً جس طرح سے مجھے اور آپ کو ذات گرامی رسول اللہ کو انٹروڈیوس کروانا چاہیے تھا ہم اس میں ناکام رہے, جس طرح سے ہم نوجوانوں کو, ہم نئی نسل کو, ہم لوگوں کو بتاتے کہ رسول اللہ کی ذات آپ کا اسوہ, آپ کا قدوہ, آپ کا رول ماڈل جو پروردگار عالم نے قرار دیا ہے وہ یقیناً کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے. لیکن اگر ہم ذات پروردگار عالم کو بھی دیکھیں اور رسول اللہ کو بھی دیکھیں, دونوں ازواج میں جو ہم نے غلطی کی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو, اپنی نوجوان نسل کو ان سے ڈرایا زیادہ ہے, ڈرایا زیادہ ہے, جبکہ اگر ہم انہیں یہ بتاتے کہ اللہ کے نبی کی محبت کیسی ہے, خود پروردگار عالم کس قدر محبت کرتا ہے آپ سے, تو کس قدر آسان ہو جاتا کہ ہم نبی کی ذات کو لوگوں کے درمیان انٹروڈیوس کروا دیں ایک رول ماڈل کے طور پر. لیکن اصلاً میں نے اور آپ نے بھی جہاں لیک کیا وہاں آپ کی ذات کو سمجھنے میں اس طرح سے کیا کہ ہم نہیں سمجھ سکے کہ اللہ کے نبی کی محبت کیا ہے. جن چارٹرز پر آج یو این او کام کر رہی ہے, یونائٹیڈ نیشنز کام کر رہی ہے, چاہے وہ ہیومینٹی کے حقوق ہیں, وہ جانوروں کے حقوق ہیں, وہ جنگلات کا تحفظ ہے, وہ تمام تر چیزیں ہیں, آپ سوچئے کہ انسان کی عقل جس مقام پر آج آ کر ان تمام تر حقوق کے بارے میں بات کر رہی ہے, آج سے 1400 سال پہلے یہ سارے حقوق میرے اور آپ کے پیارے نبی نے بتا دیے ہیں. جن جانوروں کے حقوق
पर आज बात कर रही है, जिन जंगलात के, जिन इंसानों के और खवातीन के और बच्चों के और तमाम तर चीजों के हुकूक के बारे में आज दुनिया पहुंची है, वहां पर 1400 साल पहले मेरे और आपके नबी रहमतन लिल आलमीन थे। जिस चीज पर मुझे और आपको सबसे ज्यादा काम करना है और अपने नौजवान नस्ल तक जो इमेज रसूलुल्लाह का पहुंचाना है, वो आपका सरापा रहमत होना है। खुदा की यूं बहुत सारी सिफात है, आपने कभी गौर किया? यानी खुदा आदिल भी है, हा? तो वो कहता है ये जो मेरा हबीब है, रसूलुल्लाह ने कभी नहीं कहा कि मैं आदिलुल आलमीन हूं। खुदा हाकिम है, खुदा जैसी हाकमियत किसी की नहीं है, खुदा पूरी कायनात का हाकिम है। हाँ, लेकिन कभी उनके हबीब ने यही नहीं कहा कि मैं हाकिमुल आलमीन हूं, नहीं, बार बार अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया, खुद रसूलुल्लाह ने भी बार बार रिमाइंडर दिया इस चीज का, किसका, कि मुझे आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है। अगर वो रहमत मेरी और आपकी जिंदगी में नहीं है, कहीं लैक कर रही है, तो ये मेरी और आपकी समझने में सीरत रसूलुल्लाह को गलती है। अगर हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं सीरत रहमतुल लिल आलमीन, तो हमारे फेलियर्स का बहुत बड़ा कॉज एक ये है। एक प्रोफेसर से, जो यूथ से बहुत ज्यादा सेशंस करते थे और नौजवान लोग उनके पास आते थे तो मुख्तलिफ सवाल करते थे, एक बड़ा खूबसूरत किसी स्टूडेंट ने सवाल किया। उन्होंने कहा कि बताइए प्रोफेसर साहब कि रसूलुल्लाह की रहमत का जो दायरा है कितना वसी है। आप रहमतुल आलमीन है, आप भी फरमा रहे, बता रहे, कुरान की आयत है, रसूल भी, लेकिन अगर हम रहमत रसूल का के दायरे की वसअत का अंदाजा लगाना चाहें तो हमें कैसे मालूम होगा कि रसूलुल्लाह की रहमत का दायरा कितनी वसअत पर है। तो कहते बहुत खूबसूरत एक जुमले में उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि खुदा जहां जहां रब्बुल आलमीन है वहां वहां रसूल रहमतुल आलमीन है। अगर खुदा के आलमीन के रब होने का वसअत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, तो रसूलुल्लाह की रहमत की का जो दायरा है उसकी वसअत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। खुदा रब्बुल आलमीन है और उसने अपने हबीब को रहमतन लिल आलमीन करार दिया है। यानी जो चीज सबसे ज्यादा गालिब आई आपके बेशुमार सिफात में से, वो आपकी सिफत रहमत है, जिसके जरिए मैं और आप पूरी दुनिया को इंट्रोड्यूस करवाएं और बताएं कि जो यूएनओ का चार्टर अभी जानवरों के राइट्स के बारे में बात कर रहा है, वो हमारे हबीब 1400 साल पहले रिवायत के थी, एक शख्स रसूलुल्लाह के पास आया और इस तरह आया कि उसके पीछे पीछे एक चिड़िया उसका पीछा करती हुई आ रही थी। तो वो रसूल की महफिल में, यानी आपके पास आकर बैठ गया, तो नबी, खुदा के नबी ने फरमाया कि ये क्या माजरा है कि तुम्हारे पीछे पीछे ये चिड़िया आ रही है और तुम्हारे आगे पीछे घूम रही है, क्यों? तो उस शख्स ने कहा कि मैं चूंकि इस चिड़िया के घोंसले से इसके अंडे उठा कर ले आया हूं, तो इसलिए ये चिड़िया मेरा पीछा कर रही है। आप देखिए रसूलुल्लाह किस हैसियत से उस वक्त उस मनसब और मकाम पर बैठे, रूलर ऑफ द स्टेट, हुक्मरान है, और आपके सामने एक शख्स आता है, एक चिड़िया है जो बेचैन है। आप रूलर ऑफ द स्टेट हैं, आप हाकिम हैं, लेकिन उस चिड़िया की बेचैनी भी आपके दिल से बर्दाश्त नहीं हो रही। किसी इंसान पर जुल्म तो बहुत दूर की बात, ये इतनी बारीकियां हैं सीरत रसूलुल्लाह की कि जिसे मुझे और आपको समझना बहुत जरूरी है और अपनी डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करना। हमने अगर इन पॉइंट्स पर, इन निकात पर लैक किया अजीजा ने मन, तो जिल्लत और रुसवाई के अलावा कुछ नहीं है। हमें किस किस गोशे में रसूलुल्लाह की सीरत को फॉलो करना है, ये आज वेस्ट हमें बताएगा, नहीं, हमारे हबीब ने, हमारे रसूल ने, जो रहमतन लिल आलमीन थे, उन्होंने 1400 साल आपके सामने गधा बांधकर या ऊंट रिवायत में के लाकर बांधा गया, बहुत लागर था,
और उसके पर सामान उसको जेरबार करने वाले थे, लेकिन वो नहीं उठा पा रहा था बोझ। तो बहुत ज्यादा लाजर है, रसूल ने मुलाहिजा किया, आपने देखा, आप मुशाहिदा कर रहे थे, तो आप करीब आए, आपने कहा क्या माजरा है? तो लोगों ने कहा कि ये ऊंट लाजर लग रहा है, यानी ऐसा कि ये बार नहीं उठा सकेगा और ज्यादा शायद उम्र का है। तो रसूलल्लाह ने फरमाया कि अगर ये नहीं उठा सकता, ये इस काबिल नहीं है कि इसको जेर बार किया जाए, तो तुम इसे जंगल में छोड़कर क्यों नहीं आ जाते, क्यों इससे काम ले रहे हो? कि अगर ये इतनी सख्त या ताकत नहीं रखता, आप सोचिए जिन जानवरों के लिए आपका दिल इस कदर नरम हो, आपकी रहमत, आपकी वसअत कहां कहां तक। हमारे जो चार मैंने कहा कि पर्सनालिटी की, शख्सियत के चार सुतून जो सबसे ज्यादा अहम होते हैं, उनमें भी अगर हमें सिफत हम देखें तो आपकी रहमत की सिफत है जो गालिब नजर आती है, जिसके लिए मैंने कहा ना कि आप अगर आज क्या मजाल है किसी की कि कोई रसूलुल्लाह के खाके बनाए। हाँ, जो ब्लास्फेमीज होती हैं हर कुछ अरसे के बाद ये चीज़ें सामने आ रही होती हैं, और जो मैगजीन शाया करता है इन चीज़ों को और जो उसका ओनर है, तो वो क्या कहता है कि मैं मुसलमानों का टेम्परेचर चेक करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि इनके अंदर कितनी मोहब्बत और मारिफत अपने रसूल को लेकर के रह गई है। तो क्या मजाल है किसी की कि वो रसूलुल्लाह की तौहीन करे अगर मैं और आप रसूलुल्लाह को सही मानों में फॉलो करें, अगर हम उनकी सीरत के गोशों को सही तौर से मुतारिफ करवाए नौजवान नस्ल को, तो किसकी जुरात हो अगर मैं और आप इस कदर मारिफत रखें अपने नबी की, अपने रसूल की और उस अव्वलीन व आखिरीन के इमाम की कि जो बेमिसल बेनजीर है, जिसकी मिसाल हमें कायनात में नहीं मिलती, जिस जैसा खुदा ने पैदा ही नहीं किया, जिसके सदके में कायनात को खल्क किया है। लेकिन असल में मैंने कहा जहां लैक आता है, और वो तमाम थे मैंने कहा कि इन चार सिफात कोई शख्सियत के अगर हम लेकर उठ जाए सीरत रसूलुल्लाह के, तो बहुत अहम है, बहुत खूबसूरत बात है। इन चार चीजों पर अगर मैं और आप देखें और बात करें, वो कहते राइटर कहते हैं ऑथर के ये चार सिफात अगर किसी के अंदर पाई जाती हैं, तो हम देखते हैं कि उसका जो पर्सनैलिटी है वो कितनी कमजोर है, कितनी स्ट्रांग है। पहली सिफत, जो पहला बहुत अहम सुतून होता है किसी की शख्सियत का, वो ये है कि उस शख्स का, उस जात का, उस शख्सियत का अपने खुदा के साथ कैसा ताल्लुक है। अब ये जनरल स्टेटमेंट है, जरूरी नहीं है कि मुसलमान हो, वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता है। असलन अहम ये है या देखना ये है कि उसका अपने खुदा के साथ ताल्लुक कैसा है। अगर एक शख्स है उसके पास पूरी दुनिया के लिए वक्त है, लेकिन अगर अपने खुदा के लिए वक्त नहीं है, तो इसका मतलब है उसकी शख्सियत एक कमजोर शख्सियत है, वो सही तौर से हक अदा नहीं कर पा रहा। उसकी शख्सियत का एक बहुत अहम पहलू और बहुत अहम अंसर है। और हम देखते हैं दुनिया में कि जैसे जैसे मेरे और आपके मदारिज बढ़ते रहते हैं, पोस्ट बढ़ती रहती हैं, इबादतों में कमी आती रहती है, यानी जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, पहले चले जाते थे बाद में नमाज के लिए, फिर नहीं है, फिर फरादा पढ़ ली, फरादा भी फिर पढ़ ली, नहीं पढ़ ली, है ना। जैसे जैसे ऑफिस या ग्रेड्स डेजिग्नेशन मरातब बढ़ते रहते हैं, इबादत की रेशो कम होती रहती है। लेकिन कहा नहीं, अगर किसी की शख्सियत को देखना है तो बहुत अहम सतून उसकी पर्सनालिटी को मेजर करने के लिए और एक बहुत अहम क्वेश्चन ये है कि उस शख्सियत का उसकी खुदा के साथ ताल्लुक देखा जाए कि कैसा है। अगर वो अपने खुदा के लिए वक्त निकालता है और एक बेहतरीन वक्त,
देता है तो समझा जा सकता है कि वो उसकी शख्सियत मुकम्मल है, उसका उस्वा कामिल है, या एक ये सतमीन उसकी जिंदगी का बहुत बहुत कंप्लीट है, बहुत मीनिंगफुल है। पूरी कायनात को खुदा खुद बुलाता है अपनी इबादत के लिए, आओ मेरी इबादत करो। अजान कॉल है ना, खुदा बुला रहा है आपको, हय्या अलल फलाह, हय्या अलस सलाह, आओ कामयाबी की जानिब, आओ नमाज की जानिब। खुदा सबको कहे कि आओ और मेरी इबादत करो, आओ मेरी जानिब मुतवज्जा हो, और अपने हबीब को कहे तुमिल लैला इल्ला कलीला, हे मेरे हबीब आपके पैरों पे जो खड़े खड़े वर्म आ गया है, इतनी इबादत जो आप मेरी बारगाह में कर रहे हैं, अब जरा देर बिस्तर पे चले जाइए, अब आप आराम कर लीजिए। यानी वो कि जो रूलर भी हो, जो स्टेट्समैन भी हो, जो एक बाप भी है, जो एक शौहर भी है, जो तमाम तर लोगों के मसाइल को भी हल कर रहा है, जो एक मदीने की रियासत को, जो न्यूली बॉर्न रियासत है, उसको देख रहा है, और आप देखिए फिर भी उसके खुदा की इबादत में कोई कमी वाकई नहीं हो रही है। उसका रिलेशनशिप, उसका रिश्ता अपने खालिक के साथ, अपने मालिक के साथ दिन ब दिन इस कदर मजबूत होता जा रहा है कि पूरी दुनिया को खुदा कहता है आओ मेरी जानिब मुतवज्जा हो, मेरी इबादत करो, और अपने हबीब को कहता है तुम्हें नहीं करेगा करेगा, ए मेरे हबीब, हाँ ए चाहने वाले, ए मेरी इबादत गुजार, कितनी इबादत करोगे कि तुम्हारे पैरों पर वर्म आ गई है। दूसरी चीज ना, कि मैं और आप, मैं सिर्फ से गुजर रही हूं चूंकि इतना वक्त नहीं है, अब इन तमाम तो चीजों को हम देखें कि हमारी जिंदगी में कहां इंप्लीमेंट हो रहे हैं, खासतौर पर नौजवान नस्ल बच्चियों से मुखातिब हो रहे हैं, जो चाहती है कि अपनी जो पर्सनालिटी को इस वक्त अपनी ग्रूम कर रही है, हाँ, और चाहती है कि एक बेहतरीन शख्सियत बने और एक ऐसी कारामत शख्सियत माशरे की बने हमारी बच्चियां इंशाअल्लाह, क्योंकि इन्होंने ही आगे आने वाली नस्लों को परवान चढ़ाना है। अगर मेरे और आपकी शख्सियत के जाविये मुकम्मल होंगे तो फिर हम एक मुकम्मल इंसान और एक मुकम्मल किरदार जन्म देकर इस माशरे के हवाले कर सकेंगे, और उस निजाम के हवाले कर सकेंगे, उस निजाम की मदद कर सकेंगे जो इंशाअल्लाह के निजाम विलायत का निजाम है और ज़हूर इमाम ज़मान का दौर है। उसके लिए अपनी शख्सियत के इन जावियों को मुकम्मल करना, मैं और आप एक अच्छी शख्सियत रख ही नहीं सकते कि जब तक मेरा और आपका खुदा से रब्ता मजबूत नहीं होगा। और रसूलुल्लाह का देखिए, ये सिर्फ बहाना है मेरे और आपके लिए, मैं कहूँ वक्त नहीं है इबादत के लिए, खुदा के लिए वक्त नहीं है, नहीं, लेकिन कितना मजबूत रिश्ता है। सबसे ज्यादा वक्त है अगर तो है ही खुदा के लिए, है ही अपने खालिक और मालिक के लिए, अपने परवरदिगार आलम के लिए। दूसरी बात जो सुकून की शख्सियत के बारे में कही जाती है, वो कहते हैं कि एक शख्सियत के लिए ये देखा जाए कि उसका अपने घर वालों के साथ ताल्लुक कैसा है। अगर उसका घर वालों के साथ ताल्लुक अहसन है, बेहतरीन है, अच्छा है, तो इसका मतलब है कि उसकी शख्सियत का ये सुतून भी मुकम्मल है, मजबूत है। इसका मतलब है उसकी शख्सियत कमजोर नहीं है। और आप देखें हमारे माशरे में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि उनकी फैमिलीज उनसे शिकायत कर रही होती है, बहुत बड़े दर्जे में पहुंच जाए ना, बीवियों को शिकायत, बीवी अगर है तो शौहर को शिकायत, या बच्चों को कि हमारे पास वक्त नहीं है, या हमारे साथ अखलाक बेहतर नहीं है, या ज्यादा हमारा हमें टाइम नहीं दिया जाता। हम देखें तो बहुत सारी कमियां नजर आती हैं। और अगर हम ज़ात रसूलुल्लाह की जानिब आए तो जब आप ऐलान नबुव्वत करते हैं तो सबसे पहला कलमा पढ़ने वाली आपकी ज़ौजा खदीजतुल कुबरा है। आपका अखलाक उस बेहतरीन, आपकी आपका उस्वा, आपकी जात, आपकी सिफात उस मकाम पर है, और यही असलन बेहतरीन चीज है अजीजाने मान। हम देखते हैं माशरे में उल्टा काम शुरू होता है ना, सबसे ज्यादा माशरे के लिए एक शख्स अच्छा होता है, घर वालों के लिए अच्छा नहीं होता या उतना अच्छा नहीं होता। हमारा अखलाक बहुत अच्छा है दूसरों के लिए, लेकिन किस काम का, कि अगर ऐसा शख्स घर में आए तो उसे सांप सूख जाए लोगों को, और वो सही तरह से बात भी ना कर सके, और डांट डपट से बहुत ज़्यादा घबरा रहा हो, या माँ की शख्सियत ऐसी हो, इतना ज़्यादा खौफ हो, खौफ का आलम हो कि बच्चे सही खुल के अपनी बात को बयान ना कर सके, तो ऐसा क्या है। रसूलुल्लाह की जात से मुझे और आपको समझ आता है और मालूम होता है कि सबसे पहले जो चीज़ है वो तहजीब नफ्स है, उसके बाद आपकी तहजीब, आपके आदाब घर वालों के लिए है, और फिर अखलाक माशरे
معاشرے والوں کے لیے ہے, یہ نہیں. تہذیب ناصری جو جس شخص جو معاشرے کے لیے سب سے زیادہ اچھا ہے, گھر والوں کے لیے اچھا نہیں ہے, تو پھر اپنے لیے اس کے پاس کیا وقت ہوگا؟ نہیں, اس کو اللہ نے بتایا سب سے پہلے تہذیب نفس ہے. سب سے پہلے اگر کسی پر کام کرنا ہے تو اپنے نفس پر کام کرنا ہے. سب سے زیادہ اخلاق کی اگر ضرورت ہے تو وہ تمہیں خود کو ہے, تم اپنے لیے کتنا وقت نکالتے ہو, پھر اس کے بعد گھر والوں کے لیے, اور پھر اس کے بعد معاشرے والوں کے لیے. ہاں, تو یہ ایک بہت بڑا میجر ہے, یہ بہت بڑا کوشنٹ ہے, یہ معیار ہے ایک شخصیت کی کو دیکھنے کے لیے کہ اس کا رویہ اس کے گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے. اور میں نے کہا رسول اللہ کی زندگی کو دیکھنے, چاہے وہ بیٹی ہے گھر میں, چاہے وہ زوجہ ہے, چاہے وہ نواسے ہیں, چاہے وہ آپ کے گھر آنے والے مہمان ہیں, چاہے وہ آپ کے گھر کا کوئی بھی قریبی فرد ہے, آپ کے چچا ہیں, آپ کے دادا ہیں, آپ کی ماں جب تک کہ حیات رہی. ہاں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہترین بیٹا, ایک بہترین باپ, ایک بہترین شوہر, کہ جس کے اخلاق کی مثال ہمیں نہیں ملتی ہے. پھر اس کے بعد تیسرا جو ستون یا پلر ہے جس کو میں اور آپ دیکھنا چاہیں, کسی کی شخصیت کو دیکھنا چاہیں کہ وہ مضبوط ہے یا کمزور ہے, تو اس کا اس کے دشمنوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے. دوستوں سے دوستی نبھانا کارنامہ ہے, خاص طور پر آج کل کے زمانے میں مشکل ہے کہ آپ دوستی بھی نبھا لیں, لیکن دشمنوں کے ساتھ انسانی معیارات پہ رہتے ہوئے بہیو کرنا یہ کیسا ہے؟ اگر کوئی شخص اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی وہ سلوک رکھتا ہے کہ جو نرم ہے, وہ سلوک رکھتا ہے کہ جو انسانی سلوک ہے, جو انسانی اقدار کے مطابق ہے, تو آپ دیکھیے کہ وہ شخصیت مضبوط ہے. لیکن اگر وہ کہ اگر آپ کو کوئی جسمانی تکلیف پہنچا رہا ہے آپ بھی پلٹ کر اسے پہنچا رہے ہیں, آپ کو کوئی ذہنی تکلیف دے رہا ہے آپ بھی اس کو پلٹ کر دے رہے ہیں, یہ معیار ایک مضبوط شخصیت کے لیے نہیں ہے. تیسرا پلر یہ ہے کہ آپ کا, یعنی اس شخص کا کہ جسے آپ دیکھ رہے ہیں, اس کا اس کے دشمنوں کے ساتھ سلوک کیسا ہے. اور میں نے کہا اتنا وقت نہیں ہے کہ اس کو جنرلی اس پر اتنی زیادہ بات کریں, میں اور آپ اپنے رویے کا اندازہ خود لگا سکتے ہیں کہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ کیسے, اپنے دشمنوں کے ساتھ کیسے ہیں. لیکن اگر شخصیت رسول پر بات آتی ہے تو آپ سے برداشت نہیں ہوتا کہ جب آپ کانکیورر فاتح بن کر داخل ہو رہے ہیں فتح مکہ میں, اور آپ کی نظر جاتی ہے کہ ایسی ایک ایسے لوگوں کے اوپر کہ جن کو ایک قطار میں کھڑا کیا گیا ہوتا ہے, ان کے ہاتھ پیر باندھے ہوئے ہوتے ہیں, جب رسول اللہ کی نظر جاتی ہے آپ کہتے ہیں کون ہیں یہ لوگ؟ تو کہا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں رسول اللہ کہ جنہوں نے آپ کو اذیتیں دی ہیں, جو آپ کے دشمن ہیں, جو آپ کو اذیتیں دیتے تھے, ان کے ہاتھ باندھ کر کھڑا. رسول اللہ نے لمحہ نہیں لگایا, کہا کہ یہ سب میری طرف سے آزاد ہیں, ان سب کے ہاتھ پیروں کو کھول دیا جائے, ان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کیا جائے. اب دیکھیے, دوستوں سے دوستی نبھانا آسان ہے, مگر اس وقت کی جب آپ اقتدار میں ہو, اس وقت کی جب آپ کے پاس اتھارٹی ہو, آپ کے پاس پاور ہو, آپ فاتح بن کر داخل ہو رہے ہیں, اس وقت اپنے بدترین دشمنوں کو معاف کر دینا, بلکہ ان کے گھروں کو جائے امن قرار دے دینا. اگر یہ سیرت ہے تو یہ میرے اور آپ کے نبی کی سیرت ہے, رحمت العالمین کی سیرت ہے. بس ایک دو مثالیں اور, چونکہ معاشرے میں ہمارے یہاں بہت زیادہ یہ رائج ہو گیا ہے بدلے لینا, بہت ساری سازشیں, بری نیگیٹو تھاٹس, نیگیٹو باتیں, کہ جس کے اندر ہم اپنی انرجیز کو ضائع کر دیتے ہیں, جبکہ میں نے اور آپ نے اپنی انرجیز کو کہاں لگانا ہے؟ امام کے لیے لگانا ہے, اہل بیت کے لیے لگانا ہے, اپنی شخصیت کو بہتر بنانے کے لیے یہ تمام تر انرجیز کو استعمال کرنا ہے. مگر عموماً خواتین, عموماً لوگ معاشرے کے کہاں جا رہے ہیں, کہاں ان چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں, یہ مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے. وحشی جو جناب حمزہ کا آپ کے چچا کا قاتل ہے, اور آپ کو اس قدر اذیت, قلبی اذیت ہوئی جناب حمزہ کی شہادت جب عہد میں ہوئی,
आपने सबको बुलाया और बुलाकर कहा अरब की औरतों को जो अपने अपने शहीदों के जनाजों पर मातम कर रही थी, जब देखा कि चचा हमजा पर कोई मातम करने वाला नहीं है, कहा आओ मैं इन पर गिरिया करूं। वो वहशी के जिसने आपको नेजा मारा, आपको कत्ल किया और आपकी जिगर को चाव किया और अहदा को दिया चबाने के लिए, जिसने इतना कल्ब पर वार किया हो, जब वो सामने आ जाए और रसूलुल्लाह खुद खत लिखकर बुलाएं और कहें, जब वो देखता है रसूलुल्लाह के जवाब को और खुद को, तो वो कहता है कि मैं कैसे जाऊं मोहम्मद के सामने, मैं तो उनके चचा का कातिल हूं, मैंने तो हमजा को कत्ल किया था, मैंने तो उनके कलेजे को चाक चाक किया, उनका कलेजा निकाला, कैसे मैं माफी की उम्मीद रख सकता हूँ, कैसे मैं उनका सामना करूँ। आप कुरान की उन आयात को लिख कर भेजते हैं जिसमें आप कहते हैं खुदा तव्वाबुर रहीम है, खुदा पलटने वालों की तौबा को कबूल करता है, जो उसकी बारगाह में आ जाए उसके लिए बख्शिश के दरवाजे, खुदा की रहमत के दरवाजे खुले रहते हैं। बदतरीन दुश्मनों को माफ करके रसूल ने बताया कि आपकी शख्सियत कितनी कामिल है, आपका उस्वा कितना कामिल है। और वो लोग के जो बदतरीन दुश्मन थे, ना सिर्फ ये माफ करते थे, और अगर वो अपनी दुश्मनी पर कायम रहते थे तो रसूलुल्लाह उनके लिए दुआ करते थे, आपकी मशहूर तरीन दुआ, आप खुदा की बारगाह में हाथों को उठा कर कहते थे कि खुदा इनकी बख्शिश फरमा दे, इनको हिदायत अता फरमा कि ये नहीं जानते कि मैं कौन हूं, इनको मेरी मालूमत नहीं है, ये अपनी जहालत की बिना पर मुझसे दुश्मनी किए हुए हैं, इनकी मग़फ़िरत फरमा दे, इनको हिदायत अता फरमा। हाँ, तो जो रहमतुल आलमीन, जो नबी ऐसा हो, तो उसकी उम्मत को किस मायार में आना है, ये मायारात है, ये फकत फजाइल नहीं है, ये स्केल्स है, ये स्टैंडर्ड्स है जो रसूलुल्लाह ने सेट किए हैं मेरे और आपके लिए, कि अगर मैं आज के दिन जश्न में आ रही हूं और मना रही हूं तो उन मायारात को मैंने और आपने और हमारी नौजवान नस्ल ने कैसे फॉलो करना है। चौथी और आखिरी बात, मैंने आपकी ज़हमतों को तमाम किया, अगर किसी की शख्सियत का अंदाजा लगाना है कि वो कितनी मजबूत है कमजोर है, चौथा सतून उसकी पर्सनैलिटी का जो चौथा पिलर है वो ये कि क्या उसने सिर्फ इस दुनिया के लिए जिंदगी गुजारी है, या फकत यहां तक जब होगा तो जिंदा रहेगा, या इसके बाद भी उसने कुछ ऐसा छोड़ा है कि खैर ही खैर उसकी जात से जारी होगा। और अगर रसूलुल्लाह की जिंदगी को देखते हैं तो हम देखते हैं कि उनकी जिंदगी फकत ही दुनियावी जो 63 इयर्स की जिंदगी है, फकत वो जिंदगी नहीं है, बल्कि आप वो हैं कि जिन्होंने अपनी उम्मत की हिदायत के लिए कुरान को छोड़ा है, अपने बाद अहले बैत को छोड़ा है, अपनी बेहतरीन सुन्नत को छोड़ा है, उस उस्वा को छोड़ा है कि जो काबिले तकलीद है, कि जिसको फॉलो किया जाए वो इस लाइक है, आपकी जात, आपकी सिफात, आपकी अहले बैत अतार और असलन वही इलाही कुरान। और हम देखते हैं कि आप इसमें भी कामयाब है, फकत आपकी जिंदगी उन चंद सालों पर मुहित नहीं है जबकि आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं, आपकी जात से खैर ही खैर है, जो आज तक चाहने वाले आपके आपके मानने वाले उस खैर से फैजियाब हो रहे हैं। तो आपकी जात को इन चार जावियों से, इन चार सतूनों से आपकी पर्सनैलिटी को मैंने और आपने देखना भी है और अमल भी करना है, क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा गुजर गया। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की जिंदगी का एक नुक्ता बयान करूं, मां सल्ली अला मोहम्मद, जहां पर हम मुबारकबाद जो है वो देते हैं इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम को और इमाम ज़ैनुल आबिदीन को और इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को, वहां पर सिर्फ एक आपकी ज़ात और आपकी शख्सियत को अगर ले सादिक़े आले मोहम्मद, तो मैं और आप उनके जश्न का हक अगर अदा करना चाहते हैं तो हमें उलूमे सादिकिया पर काम करना है। ऐसा नहीं हो कि हम सादिक़े आले मोहम्मद के मानने वाले हों मगर इल्म में पीछे हों, चाहे वो दुनियावी इल्म है वो दीनी इल्म है, उसमें एक्सल करना है, उसकी मेराज तक जाना है, उसकी मेराज पर पहुंचना है, तभी मैं और आप हक अदा कर सकेंगे कि हाँ हम जाफर सादिक के मानने वाले हैं।
हाँ, तो उसके लिए मैं और आप और माएँ ख़ास तौर पर, बच्चियाँ माएँ ख़ास तौर पर जो तरबियत दे रही हैं वो इस बात पर बहुत ज़्यादा एहतमाम करें कि बच्चों की तालीम, बेहतरीन तालीम, आप उनके ज़ाहरी चीज़ों पर तो खर्च करते हैं, कपड़ों पर, पैसों पर, खिलानों पर और बाकी तमाम तर चीज़ों पर, लेकिन सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर मुझे और आपको खर्च करना है और ध्यान देना है उनकी तालीम और तरबियत है, उनको अदब आदाब, उनको अखलाक सिखाना। और असलन अगर सादिक़े आले मोहम्मद के मानने वाले हैं तो उलूम पर काम करना है। आगाए सिस्तानी के पास जब एक पूरा जो है वो गए थे लोग और एक पूरा वफ्द गया था, तो उन्होंने पूरी दुनिया में फैलाने के लिए चंद निकात उलमा से अर्ज किए थे और नौजवान नस्लों से वो मुखातिब थे, तो उसमें एक नुक्ता बहुत अहम था कि जो उलूम जाफरिया से मुतालिक है और आज बयान करूँ। यहाँ पे फरमाया कि दुनिया की किसी खित्ते में भी जाए और जाकर अगर पूछे, तुमसे कोई पूछे कि यहाँ का बेहतरीन डॉक्टर कौन है, यहाँ का बेहतरीन इंजीनियर कौन है, तो जवाब आना चाहिए कि वो कोई गुलाम अली है, वो कोई कनीज ज़हरा है, कोई गुलाम हुसैन है। तो तभी मैं और आप इस दर से मुंसलिक होने का अकदा कर सकेंगे इंशाअल्लाह। आज के जश्न के सदक़े में और इस खुशी के सदक़े में जो मोहम्मद आल मोहम्मद अलैहिस्सलाम के घर में है, हम हक अदा कर सकें आपकी उम्मती होने का, इमाम की उम्मत में होने का, इमाम जाफ़र सादिक़ का शिया, उनका चाहने वाला, उनका मानने वाला होने का। और ये तभी मुमकिन है कि मैं और आप उनकी तालीमात पर, उनकी सीरत पर अमल करें और तौफीक यहाँ से आज मांग कर उठें। तवस्सुल भी इन्हीं की बारगाह में है और रसूलुल्लाह की बारगाह में, इमाम जाफ़र सादिक़ की बारगाह में, अपने क़ुलूब को बकई की जानब रवाना करते हुए गुरबत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के सामने अपने आप को महसूस करते हुए दुआ करते हैं और अपनी हाजात को इमाम के सामने पेश करते हैं, उन्हें वसीला करार देते हैं कि आज के दिन के सदक़े में वो हमारी हाजात को खुदा तक पहुँचाएँ, हमारे लिए वसीला करार पाएँ, हमारी शफाअत करें, हमारे गुनाहों को बख्शवाने का वसीला करार पाएँ। يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا आपकी अजहान मेहरबानियान समेत, नंजन समेत पढ़ने वाले जितने यहाँ पर हाजिर हुए, जिन लोगों ने पढ़ा, इंशाअल्लाह के इमाम का पढ़ना कबूल करें, अपनी तमाम तर हाजात को पेश कीजिए सादिक़े आले मोहम्मद की बारगाह में। इमाम बरहक के ज़ुहूर में ताजीब के लिए, इमाम ज़मान की सेहत और सलामती के लिए मिलके والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد.